हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। अब अगर आप यहाँ पे आए हो तो मुझे लगता है तुम्हारा जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि सर 90% बन नहीं पा रहे। 90% बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है हमको। अब तुम्हारा ये जो डिसीजन है वो प्योरली तुम्हारे मॉक्स के ऊपर है, बराबर। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था, आपके मॉक पेपर्स अगर कैट लेवल के नहीं है आप उसको साइड में रख दो। मैं आपको जेन्युइनली कह रहा हूँ। सी अगेन, आई एम नॉट सेइंग दैट माय मॉक्स आर द बेस्ट, नो। मेरी दो टाइप की मॉक्स है, एक है हमारे डैशबोर्ड वाली मॉक, वो भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इवन दैट इज एट अ वेरी गुड लेवल। उसमें जिगजैग लेवल है, टफ, इजी, डिफिकल्ट, है ना। बट हमारी जो मास्टर कैट है वो हमने एग्जैक्ट कैट लेवल पे बनाई है। पिछले 2 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेट्स स्टार्ट विद योर स्ट्रैटेजी। नंबर वन, मॉक्स को आपको ज्यादा भाव नहीं देने हैं अगर आपके मॉक्स कैट के लेवल पे नहीं है। आप कोई भी मॉक्स लगाओ, आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू कैन गो फॉर IMS, टाइम, करियर लॉन्चर, यू कैन गो फॉर क्रैक यू मॉक्स, यू कैन गो फॉर मास्टर कैट फ्रॉम C2C। ये 4-5 जो मॉक्स है मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, मुझे लगता है दे आर एक्चुअली एट पार विद कैट लेवल। बाकी मॉक्स बहुत ज्यादा अगर ईजी हो तो उसको मत करना। फंडा तुझे सिंपल रखना है मेरे भाई। इफ यू आर राइटिंग मॉक नंबर 7, मॉक नंबर 8, मॉक नंबर 100 किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, इफ यू स्कोर 10 मार्क्स, इफ यू स्कोर 60 मार्क्स, 80 मार्क्स, वॉट एवर मार्क्स यू आर स्कोरिंग, डोंट जज योर सेल्फ। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज कंपेयर इट विद कैट का पेपर। अब उसके लिए आपको कैट के पेपर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो है तो आपने मान लो जंग जीत ली, है ना। सो मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ, सो आई डिड दिस ट्रायल द अदर डे विद वन ऑफ माई स्टूडेंट, ही इज फ्रॉम IIT दिल्ली, एंड ही इज लाइक कि सर मैं IMS और मास्टर कैट दोनों चीजें लगा रहा हूँ, एज मेरा स्कोर कंसिस्टेंटली ना थोड़ा कम कम होते जा रहा है। अब देखो कि चल बैठ जा और मुझे कंपेरिजन करके बता। सो उस बंदे ने जो 15-16 मॉक्स लिखी है, आउट ऑफ दोस 15-16 मॉक्स, राउंड अबाउट 60% ऑफ द मॉक्स आर नॉट एट पार विद कैट का पेपर, दे आर वे अबव कैट का पेपर, स्टिल ही हैज मैनेज्ड टू स्कोर 95% प्लस। एंड जब मैंने उसको बोला कि जो 40% मॉक्स है उसमें तेरा स्कोर बता, ही इज कंसिस्टेंटली 98% प्लस प्लस, तब जाके उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। सो दिस इज नॉट इन टू 100।